हेलो दोस्तों, मेरा नाम जतिन है और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी होलो ट्रैवल सीरीज के पार्ट 6 में। अगर आप इस ट्रैवल सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो कर लीजिएगा हमारे AM हॉलीडे के चैनल को। हम पहुंच चुके हैं बाली, वियतनाम में, फिलीपींस, हांगकांग। हम चले हैं मकाओ, बैंकॉक। अगर आप ट्रैवल से रिलेटेड और वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसके साथ साथ बेल आइकन को दबाइएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मैंने अपने लास्ट व्लॉग को खत्म करा था स्काई डेस्क साइगोन टावर, जो कि वियतनाम के हो ची मिन्ह सिटी का सबसे ऊंचा टावर था, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। पैदल चलते चलते मुझे पता था कोई ना कोई बीच में मार्केट मिल जाएगी, तो हम आए हैं। ये ऑन द वे एक मार्केट है, का नाम है नम की कोई का, या ये गेट पे लिखा है। हेलो, यू हैव सैमसंग चार्जिंग लीड, हाउ मच? 150। नो, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, थैंक यू। 150 मतलब समझ रहे हो, मार्केट अच्छी लग रही है पर बंद हो रही है। चलो देखते हैं फिर भी। हेलो, हाउ मच? 400। प्राइस इनके इतने हैं कि पूछो मत, मतलब इतने में कॉफ़ी कौन लेगा भाई। हमारे इंडिया में तो रीजनल मिल जाते हैं 1500-1600 में, क्योंकि हर वक्त वहाँ सेल लगी रहती है। इनको कौन समझाए? दिस वन ब्लैक 1,200,000। अरे भाई साहब, $60 का। तो हाउ मच फॉर दिस? 1,000,000। 1,000,000 का मतलब हो गया $50 का, 3,500 का जूता, वो बच्चे का। तो वॉकिंग स्ट्रीट वहाँ से अराउंड 2 से 2.5 किलोमीटर थी, तो मैंने सोचा चलो वॉक करते हुए चलता हूँ। सच बताऊँ, वियतनाम में उतना मज़ा नहीं आया जितना मैं सोच के आया था। जो चीज़ें सोची थी कि भैया शॉपिंग करेंगे यहाँ पे, सस्ता होता है सब कुछ, बढ़िया मिल जाता है हर चीज़, महंगी, बेवकूफ़ बनाने वाले रेट, या फिर हम पागल हैं जो इस जगह पे घूम रहे हैं। शायद सस्ती मार्केट कोई और होंगी जो कि अपने को पता नहीं है। बिनत मार्केट जो मैंने लास्ट घुमाई थी आपको, उसी मार्केट के बाद, क्योंकि वो मार्केट तो 7:30-8 बजे के आसपास बंद हो जाती है, वहाँ पे नाइट मार्केट लगती थी। और जैसे मैं वॉक करते जा रहा था, रास्ता मेरा वही था, तो वो बीच में वो नाइट मार्केट पड़ी, और वो नाइट मार्केट में रात को घूमने का एक अलग ही मजा है। इन एशियन कंट्रीज में शाम के वक्त मौसम बहुत अच्छा हो जाता है, ठंडी हवाएं चलने आती है, तो अक्सर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे नाइट मार्केट बहुत लगती है। 1,200,000। शाम को लोग बहुत घूमने के लिए बाहर निकलते हैं, काफी सारी शॉप स्टॉल्स लगे हुए थे मेन रोड के ऊपर ही। आप आओ, घूमो, देखो, समझो, अगर आप यहाँ आ रहे हो अपने लिए शॉपिंग करनी है तो कर सकते हो, क्वालिटी अच्छी है, नो डाउट। जैसे मेरे अकॉर्डिंग मत चलना, मैं आपको यही रेफरेंस करूँगा, अगर आपको अच्छा लगा है, आपके इस बजट में आए, चीज़ समझ आए, तो ले लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा। और एक से बढ़कर एक चीज़ें थी, पर वही वाली बात आ गई कि इन सब के प्राइस ऐसे थे कि बस $450। मन नहीं करा चीज़ें लेने का, तो बस मैं घूम रहा था, देख रहा था, जो चीज़ अच्छी लग रही थी प्राइस पूछ रहा था, फिर पीछे हो जाता था। बस इस तरह से मैं वो मार्केट घूमा हूँ, और उसके बाद मैं उस मार्केट से भी थोड़ा कवर करते हुए थोड़ा आगे निकला, क्योंकि मुझे वियतनाम सिटी की वॉकिंग स्ट्रीट पे जाना था। ये वियतनाम की हो ची मिन्ह सिटी के अंदर का ट्रैफिक है, क्योंकि यहाँ गाड़ियाँ कम नज़र आएंगी, स्कूटियाँ ज़्यादा नज़र आएंगी। यहाँ शाम होते ही ये जो रोड के साइड के अपने यहाँ पे फुटपाथ होते हैं, यहाँ टेबल्स लगे आते हैं रेस्टोरेंट के, और लोग यहाँ पे बैठते हैं, रात तक चिल करते हैं, इंजॉय करते हैं, मस्ती करते हैं, खाते हैं। मेरे ख्याल से घर पे खाना कम ही खाते होंगे शायद, ये हो सकता है सैटरडे संडे इंजॉय करते हो, पर मैंने नोटिस करा है यहाँ पर शाम को अक्सर यहाँ पर इस तरह से भीड़ लग जाती है, टेबल्स लग जाते हैं। और एज़ कम्पेयर मैंने नोटिस करा है आप मलेशिया या बैंकॉक से, बैंकॉक खासकर, वहाँ पे लेडीज़ ज़्यादा काम करती हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे लेडीज़ के साथ साथ आदमी भी काम करते हैं। तो बस ऐसे वॉक करता हुआ मैं वहाँ से निकला, और गूगल का मैप देखता हुआ, भैया गूगल जिंदाबाद है, थोड़े थोड़े कामों में कभी कभी गोची कर देता है, पर ऑलमोस्ट मुझे अच्छी तरह याद है 1.5-2 साल पहले मैंने पहाड़ों में मेरे एक विलेज में जाना था, मैंने अपने रिलेटिव की शादी में, तो मैंने गूगल पर डाला था, और एग्जैक्टली रात को सुनसान सड़कों पर मैंने गाड़ी भगाई, और सच बताऊँ मैं पहुंच गया था गूगल की वजह से। फिर कल वाली जो मार्केट आए थे, ये उसकी बैक साइड, मतलब दूसरी तरफ से एंट्री है,
तो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको शायद दिखाया था एशियन फूड एक मार्केट थी, उस मार्केट के अंदर लास्ट टाइम मैं जब आया था तो ऑलमोस्ट बंद होने का टाइम था। मेन एंट्री यहाँ से है टाका प्लाजा की, ये एंट्रेंस है मेन। तो उस मार्केट के जस्ट अपोजिट ही वॉकिंग स्ट्रीट थी, वो मैं कहा चलो उसके अंदर से निकलता हूँ चले जाता हूँ, तो वो भी लग गया था आपको दिखा दूँ। काफी अच्छी मार्केट थी, पूरा एसी मार्केट थी, अंदर खाने का भी काफी सारे ऑप्शन थे, कपड़े शूज वॉचेस मतलब हर एक वैरायटी जो आदमी की शॉपिंग के लिए होता है सब कुछ था वहाँ पर। पर वो वाली बात है जब मैंने कुछ चीजों के रेट पता करे तो प्राइस यहाँ पे सबका ही तेज है, हर एक चीज का प्राइस बहुत हाई था, तो बस वही पता करा और मतलब निकल गया। कुछ ज्यादा शॉपिंग कर नहीं पाया वियतनाम में, सिर्फ शॉपिंग के लिए मैंने वहाँ पे बैगेज ऐड कराया था अपनी फ्लाइट में, तो बस। और वहाँ से मैं निकला, जैसे मैंने रोड क्रॉस करी यहाँ से ये स्ट्रीट स्टार्ट हो जाती है और चहल पहल वाला मौसम, चहल पहल रंगारंग प्रोग्राम मतलब कलरफुल मतलब लाइटिंग का कलरफुल। ये स्ट्रीट यहाँ से स्टार्ट होती है बुई विन वॉकिंग स्ट्रीट, तो आप यहाँ आएंगे तो ये वियतनाम की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। उसके बाद फिर ये अपनी स्ट्रीट स्टार्ट हो गई जो कि यहाँ की वियतनाम की हो चो मिन्ह सिटी की वॉकिंग स्ट्रीट है, लाइक बैंकॉक पटाया की तरह। पटाया की जैसे वॉकिंग स्ट्रीट है वैसे ही यहाँ की ये वॉकिंग स्ट्रीट है। यहाँ बैंकॉक की तरह गंद नहीं है, जो बैंकॉक की वॉकिंग स्ट्रीट है वो ज़्यादा गंदी है, बुरा हाल है। वहाँ लड़कियाँ खींचती हैं आपको अपनी तरफ कि भैया अंदर आ जाओ, पर यहाँ ऐसा सिस्टम नहीं है, ये सिस्टम साफ सुथरा है। और यहाँ मैंने देखा है कुछ फैमिलीज भी हैं जो आती हैं चिल आउट करने के लिए। तो इस स्ट्रीट का नाम था बुई विन वॉकिंग स्ट्रीट हो चो मिन्ह सिटी की, और जो कि फुल ऑन क्राउडेड थी, और ये पूरी स्ट्रीट फुल ऑन पैक थी क्योंकि रात के वक्त ही यहाँ पे चहल पहल शुरू हो जाता है, तो हर जगह साउंड डिस्को, इतने सारे क्लब्स थे, इतने सारे पब थे, और ज्यादातर क्लब्स के अलावा लोग क्लब्स के अंदर की बजाय बहुत सारे लोग इसकी स्ट्रीट के ऊपर ही छोटे छोटे टेबल्स लगा के बैठे हुए थे, खा रहे थे, पी रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, और ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था। एक बियर मेरे ख्याल से हार्डली 100-125 रुपए की एक बियर थी, आप भी वो बियर लेके आप बैठ सकते हो, खाने पीने की जो आपको स्नैक्स आइटम लगती है वो भी 100-125 रुपए के अराउंड इसकी कॉस्ट थी। तो यहाँ पे काफी सारे फ्रेंड्स वगैरह का, सबसे बड़ी बात फैमिलीज वगैरह, इवन बच्चे भी इस स्ट्रीट के ऊपर आ रखे थे, और काफी लाउड म्यूजिक था। और सिर्फ यहाँ म्यूजिक नहीं था, उसके अलावा यहाँ पे के ऊपर काफी सारी एक्टिविटीज हो रही थी, लाइक फायर के साथ खेल रहा था, डांस करके दिखा रहा था, कोई सिंगिंग कर रहा था, कोई एक्टिविटी कर रहा था। काफी एंटरटेनिंग स्ट्रीट थी जो कि मुझे बहुत ही मजेदार लगा। पटाया के अंदर मैंने नोटिस करा है वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर थोड़ा सा गंदगी ज्यादा है, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ साथ पार्लर भी थे और सारी चीजें थी, पर उस तरह से ये स्ट्रीट नहीं थी और काफी फ्रेंडली नेचर वाली स्ट्रीट लगी। मेरे पास बड़ा कैमरा था, उसकी वजह से क्या था कि मैं किसी डिस्को के अंदर नहीं जा पाया, पर लाइटिंग का प्रोग्राम बहुत मजेदार था, साउंड बाहर तक आ रहा था और कई लोग सड़क के ऊपर डांस कर रहे थे, तो ऐसी कोई बाउंड नहीं थी। और सबसे बड़ी बात मैं शूट कर रहा था, मुझे भी कोई रोक टोक नहीं थी, तो बस मैं यहाँ घूम रहा, काफी मैंने इंजॉय करा, और मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन मैं जब घूम रहा था और थकावट हो चुकी थी। शोर शराबा बहुत ज़्यादा है, सिंगर भाई साहब है, एक रेस्टोरेंट तो था यहाँ इंडियन फूड का, वो देखते हैं, चलो इंडियन खाना ट्राई करते हैं। बस भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, और मैंने पूरे वियतनाम के अंदर जहाँ जहाँ घूमा हूँ मैंने कहीं इंडियन रेस्टोरेंट नहीं देखा। तो इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, मेरे ख्याल से मैंने कम ही देखे इंडियन रेस्टोरेंट यहाँ पे। बुई विन स्ट्रीट के ऊपर मैंने एक इंडियन रेस्टोरेंट देखा। बात कर रहे थे इंडियन रेस्टोरेंट की, और ये है वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर, इसका नाम है स्पाइसेस इंडिया। तो वियतनाम में खाना इंडियन वैसे कम ही मिलने वाला है, मेन्यू में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, नूडल्स हैं, अलग अलग चीज़ें, दाल ऑनियन जीरा गार्लिक, काफ़ी सारी चीज़ें भी। काफ़ी दिन हो गए बर्गर किंग, कभी KFC, तो कभी कुछ। तो अभी हमने थाली ऑर्डर करी है, थाली अप्रॉक्सीमेटली हो गई आपकी $6 की, $6 का मतलब हो गया लगभग 450-450 रुपये। कोई बात नहीं, इंडियन फूड हमेशा बाहर आपको महंगा मिलेगा, सस्ता नहीं मिल सकता, सिर्फ आपको वहाँ का लोकल फूड ही सस्ता मिलता है, स्ट्रीट फूड। इवन आप कंपेयर करोगे तो मैंने बैकरी के वगैरह का बर्गर वगैरह ये सब कुछ खाते हैं, वो भी सस्ता है। सो गाइस, यहाँ एक लौता इंडियन रेस्टोरेंट मेरे खाते यही है, मुझे तो अभी तक यही दिखा, और कहीं बाहर मार्केट में रेस्टोरेंट दिखा नहीं, बहुत शोर है यहाँ, पर मेन स्ट्रीट के अंदर है ये। खाना थोड़ा महंगा है, पर यह कि इंडियन खाना अगर आप चाहते हो तो यहाँ खा सकते हो, काफ़ी वैरायटी है यहाँ, डोसा समोसा और इडली पिटली ये वो लटरम पटरम सब कुछ मिलेगा। चाइनीज फाइनीज इन्होंने मतलब खोला है तो सब कुछ बना डाला है, थाली ऑर्डर करिए, इन्होंने सामान काफ़ी सर्व कर दिया।
हमने खाना खा लिया है, खाना टेस्टी था। कभी वियतनाम आना हो, स्पाइस इंडिया करके रेस्टोरेंट है, ये वोई बी एन करके स्ट्रीट है, उसके ऊपर ही है और अक्सर बाहर एक इंडियन लड़का मिल जाएगा। थैंक यू। यहाँ पे ये स्ट्रीट यहाँ ख़त्म हो जाती है। आपको एक चीज बता दूं कि पूरे वियतनाम में मैंने एक लौता यही रेस्टोरेंट देखा जो कि वॉकिंग स्ट्रीट के ऊपर था। तो फिर यहाँ खाना वाना खाया तो उसके बाद निकला, थोड़ा सा वॉकिंग स्ट्रीट का एक राउंड और मारा। बैठने के लिए, एंजॉय करने के लिए बियर बियर पियो, चिल करो, मसाज पार्लर, डिस्को, क्लब, बार, सब कुछ है। तो अभी हमने क्या करना है कि हमने निकलना है, टाइम बहुत हो गया है, मेरा ऑटो बहुत दूर है और मेरा होटल तक मुझे पहुंचने में आधा घंटा, टाइम काफ़ी हो गया है। फिर राइट टर्न करने के बाद मैं आगे गया तो वहाँ लाइन से सारे मसाज पार्लर और भी क्लब्स थे, काफ़ी सारे लोग वहाँ चिल कर रहे थे। बुलाएंगे आपको मसाज के लिए, पर इनका रेट भी कुछ अटपटा सा है। 1 लाख मांग रहे हैं, कोई 1.5 लाख मांग रहा है आधे घंटे का, सबके अलग अलग प्राइस है। क्राउड अच्छा है, माहौल अच्छा है, इंजॉय करो, देखो और इसको जाना जाओ, रिपब्लिक क्लब। बैठे हैं सभी लोग, एंजॉय कर रहे हैं, चिल करते हैं। मैंने नोटिस करा हर एक आदमी रात को यहाँ बैठ जाते हैं, चिल करते हैं, चिल। तो सब कुछ अच्छा था, बढ़िया था। और उसके बाद मैं चलते हुए आगे मैं एक मेडिकल स्टोर के पास आया और उससे आगे एक 7-Eleven करके स्टोर है जो कि ऑल ओवर हर एक एशियन कंट्री में आपको मिल जाएगा, हमारे इंडिया को छोड़ के। शैम्पू वगैरह बाय करना था, वो मैंने बाय करा है। उसके बाद मैंने वहाँ से बाइक बुक कर ली और मैं वहाँ से निकल गया अपने होटल के लिए, क्योंकि मेरा होटल वहाँ से काफ़ी दूर था। वही मुझसे गलती हुई कि मैंने होटल अपना काफ़ी दूर बुक करा था, मुझे मेनली इसी सिटी के आसपास होटल बुक करना था। और अगर आप भी लोग आए तो इसी एरिया के आसपास ही होटल बुक करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ब्लॉग को यहाँ ख़त्म करूँगा मैं, डेफिनेटली आपको अपनी सोलो सी ट्रैवल सीरीज के ऊपर बताऊंगा टोटल मेरे वियतनाम के अंदर क्या खर्चा आया। जैसे कि मैंने अपनी बाली की सीरीज में बताया, वैसे ही मैं आपको अगले व्लॉग में, क्योंकि वियतनाम में घूमने के बहुत सारे ऑप्शन थे, बहुत सारी मार्केट थी, मैं जैसे सोचता हूँ कि मैं आपको अब बता दूंगा, पर मैं देखता हूँ कि मैंने काफी कुछ शूट कर रखा है। इवन मेरा एक व्लॉग और आएगा जहाँ आपको और वियतनाम की काफी सारी चीजें जो पॉपुलर पॉइंट्स है वो घुमाऊंगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वियतनाम तक पहुंचने के मेरी फ्लाइट का खर्चा कितने का आया, वहाँ मेरा स्टे का खर्चा कितने का आया, वहाँ डेली मील का खर्चा कितने का आया, वहाँ पे मेरा आना जाना, घूमना फिरना और खाना पीना और जो जितने टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट पे मैंने अगर कुछ टिकट्स बाय करी उसका क्या खर्चा है, मैं आपको डेफिनेटली शो करूंगा, जिससे आपको एक आइडिया हो सके कि अगर आप कभी घूमने का प्लान करो तो आपको इजी हो जाए। और इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं खत्म करूंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा अच्छी लगी हो शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, जो लोग नए हैं हमारे चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा दोस्तों। और मैं इंस्टाग्राम पे हूँ, मेरी आईडी है jatin.amholidays, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि ये व्लॉग्स तो मेरे लेट आते हैं इमीडिएटली। अगर आप जानना चाहते हैं मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो दोस्तों। उसके अलावा एंटरटेनमेंट पसंद करते हो मैं टिकटॉक पे भी हूँ, अगर आपको ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो मेरी ट्रैवल कंपनी AM Holiday ट्रैवल से रिलेटेड कोई भी बात करनी है वहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू।